मिस्टर जिमी जासूस जी सर। भाई बिग बॉस की गिरफ्तारी हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी कामयाबी है और बेशक इस कामयाबी का सहरा तुम्हारे सर जाता है। शादी का सहरा बन नहीं रहा, ये आड़े टेढ़े सहरे बन रहे मेरे सर पे। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं सर कुछ नहीं। भाई मैं जानता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जाना चाहते हो, लेकिन एक अर्जेंट केस आ गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस केस पे काम करो। कैसा केस? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, लोग ज्यादातर वहाँ सैर तफरी की गर्ज से जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। लोग अचानक वहाँ लापता हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और जाकर इस मामले की छानबीन करो। अगर चाहो तो अपने उस दोस्त को भी साथ ले जाओ, क्या नाम था उसका? चमाटमैन। हाँ वही, सस्ता हीरो चमाटमैन। लोकेशन और दीगर अहम मालूमात तुम्हें डिपार्टमेंट फराहम कर देगा। तुम्हें जल्द से जल्द रवाना होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ तुम किसी बेहतर नतीजे पे पहुंचोगे। अब आप कौन सी बल्ली दे दी तुम्हें मामू? तलाश गुमशुदा का केस मिला इस दफा मुझे। गुमशुदा? अबे गुमशुदा। अबे अब तुम रिटायरमेंट ले लो मामू, नहीं तो भरी जवानी में ये लोग एल लगवा देंगे तुम्हारे। कभी कोई अच्छी बात भी निकाल लिया कर मुंह से। ये बीच सड़क पे कीले किसने फेंकी हैं बे? मुझे तो ये किसी पंचर वाले की हरामपाई लग रही है। भैंड के टांग चारों ही टायर फट गए। बे यहाँ तो कोई पंचर वाला भी नहीं मिलेगा। क्या कोई परेशानी हो गई है? अबे फट के चार हो गए हमारे टायर। ओ ये तो बुरा हुआ, किसी बड़े वे ने बीच सड़क पे कीले फेंकी हुई थी। अक्सर डकैत लोग ऐसी हरकतें करते हैं वारदातें करने के लिए। यहाँ किसी पंचर वाले का खोका होगा? पहाड़ी पे खोका तेरा बाप खोलेगा। वो बाप तक पहुंच रहा है। एक काम करो, अपनी गाड़ी का टायर खोलो और मेरी गाड़ी में रख लो, मैं तुम्हें पंचर वाले तक ले चलूंगा। अरे जबरदस्त हो जाएगा ये तो, मामा सही बोल रहा है लोंडा। बे मेरे कद्दू का सुपर हीरो है तू, गाड़ी कंधे पर रख और उड़ता हुआ चला जा। अरे कोई काम नेचुरल तरीके से भी करना चाहिए। तो फिर ये ले। आप मुझे यहाँ नए मालूम होते हैं? जी सर, हम इधर आए थे सैरो तफरी के इरादे से और हमारे चारों टायर फट गए। हो जाता है कभी कभी। आहिस्ता चलाओ उस्ताद, पापे पहले ही प्लस्तर है मेरे। ये आपके दोस्त ने चेहरे पर नकाब क्यों पहना हुआ है? दरअसल इसका चेहरा जला हुआ है। चेहरा कैसे जला इसका? वो इसकी मंगेतर ने इसके मुँह पर तेजाब फेंक दिया था। ऐसा क्यों? छाणेबाजी करते हुए पकड़ा गया था ये। भाई ये तो गलत बात है, पर कौन समझाए इन लोंडों को। ये पंचर की दुकान तो नहीं लग रही है मुझे। ये मेरा घर है, मैंने सोचा आप हमारे मेहमान हैं तो क्यों ना एक कप चाय हो जाए आपके साथ। अरे बड़ी मेहरबानी जनाब, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। अरे तकल्लुफ कैसा? इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हो? हाँ बस मेरे साथ एक मेरा मुलाजिम रहता है पीटर। मैंने सुना है इस इलाके में लोग अक्सर लापता हो जाते हैं, क्या ये बात वाकई में सच है? हालात काफी खराब हो गए हैं,
इस इलाके की खूबसूरती की वजह से लोग अक्सर यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं, लेकिन इन वाकयात के बाद लोगों ने यहाँ का रुख करना कम कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के बिजनेस पे भी बुरा असर पड़ा है। सर, तुम्हारा शुक्रिया पीटर। कोई काम हो तो आवाज लगा देना। हाँ बिल्कुल। क्या आपको इस इलाके में कभी किसी पे शक महसूस हुआ है? फिलहाल तो नहीं। उस्ताद आप करते क्या हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, या यूं कह लो कि एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट भी हूँ। क्या बात है भाई। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस जले हुए चेहरे का इलाज भी कर सकता हूँ। है जला हुआ चेहरा? अबे बेटा चाय जल्दी पी, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। भाई मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं जनाब, आप मेहमान हैं हमारे। उस्ताद टायर शॉप तक और ले चलो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना रश क्यों लगा हुआ है भाई? लग रहा कोई बड़ा टिकटॉकर आया हुआ है। आओ जरा देख के आते हैं। समझ नहीं आ रहा। सब खैरियत तो है? क्या कोई परेशानी हो गई है? इनका बच्चा स्कूल से घर नहीं आया अभी तक। स्कूल से मालूम किया? जी हाँ, स्कूल वालों का कहना है वो छुट्टी करके जा चुका है। आपके बच्चे की किसी बच्ची के साथ सेटिंग तो नहीं है? ये क्या बकवास कर रहा था? कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरा बच्चा ढूंढ दो, मेरा एक ही बच्चा है 8वें नंबर पे। आपने पुलिस में कंप्लेन की है? मैं कर रहा हूँ पुलिस को फोन। पुलिस के अलावा हमें अपने तौर पे भी तलाश करना होगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सब लोग फैल जाओ और तलाश शुरू कर दो। हमें अलग अलग डायरेक्शंस में ढूंढना होगा। चमाटू तुम लेफ्ट में जाओ और डॉक्टर साहब आप राइट में जाओ। मेरा ख्याल है हमें इकट्ठे रहकर ही ढूंढना चाहिए। मामा तुम और डॉक्टर साहब एक साथ जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। चलो ये बेहतर है। यहाँ अक्सर डकैत होते हैं, हमें मोहतात रहना होगा। बेफिक्र रहो। अहमद, अहमद, जो भी लापता होता है वो वापस नहीं मिल पाता। वहां कुछ है? अरे ये तो खरगोश था। अबे कौन था ये जंगली? इस हरामजादे को पहले कभी देखा है? नहीं तो। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के लापता होने के पीछे इसी का हाथ है। क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? फिलहाल तो हमें इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है आगे इसके साथ और भी लोग हों।
यार आप मुझे कोई आम आदमी नहीं लग रहे हो, आपके पास ये वेपन भी है, आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? नहीं, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और यहाँ इसी केस के सिलसिले में आया हूँ, शायद मुझे आपकी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल तो हमें वापस घर चलना चाहिए, आपके हाथ से काफ़ी खून बह रहा है। मैं आपके हाथ पे बैंडेज कर दूंगा। अबे कम से कम एक आवाज तो लगा देते मामू। बेटा उसके लिए मैं अकेला ही काफी था। अबे तो फिर कैसे कूट दिया उसने तुम्हारे को? कूटा वूटा नहीं है बेटा, पूछ भाई से कितना मारा मैंने उसको। मुझे लग रहा है वो फिर से हमला करेगा। आने दो साले को, हम भी तैयार बैठे हैं। पीटर जी, मेहमानों के लिए खाना लगा दिया? जी लगा दिया। अरे वीआईपी। अरे मेरी गाड़ी वहाँ अकेली खड़ी है यार। अब टेंशन नहीं लो मामू, तुम्हारी गाड़ी में से कोई क्या चुराएगा, उसमें तो टेप भी नहीं लगा हुआ है। बेटा टेप लगा हुआ था, चोरी हो गया। लो जासूस की गाड़ी में से टेप चोरी हो गया। मेरा ख्याल है आज रात आप लोगों को यहीं क़याम कर लेना चाहिए, ऐसे हालात में सफ़र करना मुनासिब नहीं होगा। यार आपकी बड़ी मेहरबानियाँ हो गई हैं हम पे। अरे मेहरबानी कैसी जनाब, पीटर मेहमानों के सोने का इंतज़ाम कर दो। जी सर। अबे पीटर ने बिस्तर तो बड़ा टाइट लगाया भाई। यार उस बंदे का कुछ तो लेना देना है इस केस से, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके पीछे उसी का हरामीपन है। अबे गरक करो यार, सुबह देखेंगे, मेरे को तो बड़ी टाइट वाली नींद आ रही है। बेटा हम में से किसी एक को जागना पड़ेगा, आधी रात मैं पहरेदारी करूंगा और आधी रात तू पहरेदारी करेगा। क्यों भाई? हो सकता है वो दोबारा हम पे हमला करेंगे। तो फिर आप पहले सो जाओ मामू, मैं जाग रहा हूँ। अबे देख ले। अरे बेफिक्र होके सो जाओ यार, मैं संभाल लूंगा। अगर कोई गड़बड़ हो तो मुझे फौरन जगाना और बेटा सो मत जाइयो। अरे बेगम हो जाओ मामा। बच्चा कहाँ है? अबे किसका बच्चा? अबे उठ, मनहूसों की तरह सो रहा है। अरे मामू तुम जाग रहे हो? बेटा जितनी जोर से तू खराटे ले रहा है ना, यह मुर्दा भी नहीं सो सकता। अबे मामू इस पॉटरी से पिट गए तुम। ओए मैं पट्टा बिट्टा किसी से नहीं हूँ। हाँ तुम्हारा हाथ तो सब्जी काटते हुए कटा है, क्यों बे ओए तू कहाँ गया ये? ओए रुक।
ये क्या चल रहा है? तो तू बाज नहीं आएगा चौकीदार। आज तुझे रंगे हाथों पकड़ ही लिया मैंने। आज तो मुझे भरपूर खून मिलेगा। अभी सीधी तरह बता यहाँ क्या चल रहा है, इस बच्चे को क्यों लाया तू इधर? खून पीना था मुझे। बेहतर है तू सरेंडर कर दे वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। कोशिश करके देख। सुपर पावर्स मामू। आज तू मरेगा साले। शरीफ लोगों को तंग करता है झोंपड़ी के। अबे नालत तुम्हारी जिंदगी पे। मामा यही है ना जो हरामीपन कर रहा था? हरामीपन ये नहीं कर रहा था, हरामीपन ये कर रहा था। अबे ये तो डॉक्टर साहब हैं। अबे डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, यही लोगों को अगवा कर रहा था। अबे तो ये चरिया कौन है फिर? मैं इस इलाके का पुराना चौकीदार हूँ, मैंने कई दिनों से इस पे नजर रखी है और आज ये रंगे हाथों पकड़ा गया। अबे तो तूने हम पे क्यों हमला किया फिर? मुझे लगा तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। अबे बड़ा ही कोई चुत्तू चौकीदार है भाई, इंसान का बच्चा बनो। अभी सीधी तरह बता कौन है तू, नहीं तो मार मार के कुत्ता बना दूंगा। तुम सब मारोगे सालो, लेकिन चलो मरने से पहले कहानी सुन लो, फिर तुम्हें मारूंगा। मेरा नाम जैन है और मैं एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हूं। मेरी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है। कुछ महीनों पहले मैं शहर से वापस अपने घर आ रहा था, लेकिन सफर के दौरान मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जिस वक्त मैं अपनी गाड़ी हाईवे पर ड्राइव कर रहा था, उस दौरान मैंने एक चमकदार चीज आसमान से जमीन की जानिब गिरते देखी। मैंने गाड़ी का रुख उस जानिब मोड़ दिया और वहां मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक अनदेखी अनजानी मखलूक मेरे सामने बुरी हालत में पड़ी थी। मैं उस चीज को देख के घबराया जरूर था, लेकिन उसकी पुरासरारियत ने मेरी दिलचस्पी में मजीद इजाफा कर दिया था। मैं उसे गाड़ी में छुपाकर अपने घर लाने में कामयाब हो गया और यहीं अपने बेसमेंट में उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेडिकल कंडीशन मेरी समझ से बाहर थी। मैं उसे बचा नहीं पाया, लेकिन उसके ऑर्गन्स और ब्लड सैंपल मैंने अपने पास महफूज कर लिए। काफ़ी कोशिश के बाद मैं उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया और जो डेटा मुझे हासिल हुआ उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं एक ऐसा वायरस बनाने में कामयाब हुआ जिसे बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद मेरी एज रिवर्स हो गई और मुझे सुपर नेचुरल पावर्स भी मिल गई। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने लोगों को क्यों अगवा करना शुरू किया? दरअसल इस वायरस के असर को बरकरार रखने के लिए मुझे खून पीना पड़ता है, वो भी इंसानी खून। अब इतना खून मैं ब्लड बैंक से तो ला नहीं सकता, तो मैंने लोगों को अगवा करके उनका खून पीना शुरू कर दिया। यानी अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तूने लोगों की उम्रें कम कर दी। जब बंदा मरता है तो क्या नहीं करता है। मरेगा तो अब तू साले। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अबे रुक, Thank you.
बेटा क्या बाप की शादी में आया हुआ है? नहीं तुम्हें कीड़ा है ना, घुसो पहले। नहीं आप उखाड़ लो जो उखाड़ना है, जाओ। अबे ये तो हलक में आ गया साला। अबे मामू ये तो टट्टों में उलझ गया। बेटा जुगाड़ निकालो कोई खानदानी। एक बंदा बजा सकता है इसकी। कौन बंदा? जादूगर चाचा। ये कौन है बे? अबे है एक बुड्ढा तुम नहीं जानते, चलो साइड में मंत्र पढ़ने दे। हट, ये अंतर मंत्र झांटू जंतर डब्बे में डब्बा डब्बे में सांड, देख के सबकी फट गई गांडा। आख तू क्या हो गया? कुत्ते की तरह घूर रहा, आदमी नहीं देखा कभी? आदमी तो देखा है, ऐसा अजीबो गरीब आदमी नहीं देखा कभी। अजीबो गरीब के अमीरी के पीछे टोंटी लगी हुई है। अबे किसको बुला लिया, उल्टी उल्टी बातें कर रहा है। अबे तू है कौन, तेरे से अच्छी बातें करूं प्रोफेसर डम्बल चोर? वे चाचा से तमीजो तहजीब अखलाक से बात करो तुम लोग। मोहतरम जनाब चाचा साहब, उस भड़वे से निपटना है हमें। अबे तौबा करो, इससे क्यों लिपटना है तुम्हें? लिपटना नहीं है, निमटना है। अबे चाचा इसको मारना है, नहीं तो ये सबकी मार देगा। ये ले। ये क्या है? ये जादुई तावीज है, पानी में घोल के पी जा, फिर देख तेरे अंदर कैसी वीआईपी ताकत आती है। अब होगा फंडा। चाचा ये पर्ची कैसी गिरी हुई है? अबे लग गए। क्या हुआ? अबे तावीज तो इसमें लिखा हुआ है। है तो उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था फिर? अबे शुमाइला का नंबर लिखा हुआ था उसमें। ये पिटवाएगा। अबे चाचा अगले की गांड फटवा दोगे तुम। अबे इतनी मुश्किल से नंबर मिला था यार। अबे इनको नंबर की पड़ी हुई है। अबे शर्म करो चाचा, इस उम्र में शुमाइला का नंबर। तेरी क्यों अटरी है बे, तेरी फूफो लगती है वो। कुछ करो चाचा, दिमाग चलाने दे जरा। लग रहा है हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। अबे गांड फाड़ के फरीदाबाद पहुंचा देगा वो तुम्हारी। फिर क्या? सिर्फ एक ही तरीका है इसके लसन लगाने का। मैं जादुई ब्लैक होल का दरवाजा खोलता हूँ, तुम इसको घेर के लाना और उस ब्लैक होल में धकेल देना। ठीक है, आप ब्लैक होल का दरवाजा खोलो, इसको घेर के लाना हमारा काम है। सामने से हटो, मैं खोलने जा रहा हूँ ब्लैक होल का दरवाजा। वह बंद कर इसका। वो ये क्या हो गया? अबे चाचा कौन सा दरवाजा खोल दिया? वो नाले वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई है इसने। मैं भोसड़ी के भरा हुआ लोटा मारूंगा मुंह पे, बंद कर इसका। अबे चाचा लेटरिन के दरवाजे क्यों खोल रहे हो? अबे गलती से खुल गया था, अभी सही दरवाजा खोलता हूँ। चाचा आप दरवाजा खोलो, मैं जाके चमाटू की मदद करता हूँ, तुम किसी तरह बच्चे को लेके बाहर निकलो। ओके। अबे कौन सा दरवाजा था, एक तो मैं दरवाजा भूल जाता हूँ। लेट्स ट्राई अगेन। चमाटू, अबे उठ, ब्लैक होल का दरवाजा खोल दिया। ये चुतियापा किसने कर दिया भाई? अबे चाचा ने खोला दरवाजा, हमें किसी तरह इसे ब्लैक होल में धकेलना होगा। ओए बच्चोदिया नहीं करो, टाइम कम है मेरे पास।
टाइमिंग देख रहा है मेरी? बेहतरीन। चाचा वापस तो नहीं आएगा ना ये भूतनी का? अबे इसका बाप ही नहीं आ सकता वापस। आखिरकार ये केस निमट ही गया। हाँ लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट वालों को क्या कहानी सुनाओगे? इस कहानी पे तो वो यकीन नहीं करेंगे। हाँ ये तो है, उन्हें कोई और ही कहानी सुनानी पड़ेगी। वो बच्चा कैसा है अब? वो बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने वालदैन के पास है। देखो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। अबे शुक्रिया अदा नहीं कर रहा, ये बता ये अंडे वाला बर्गर कहाँ मिलता है? तो फिर शुरू हो गया। अबे भूख लग रही है मामू। चल आजा तेरे को खिलाता हूँ फिर मैं। आजा तेरे को डबल अंडे वाला बर्गर खिलाता हूँ। ये मेरा भाई लग गया मुफ्ता।